नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। सड़क हादसे में दो युवकों की मौत। जी हां, आपको बताते चले कौसाम्बी जिले में तेज रफ्तार डंफर ने बाइक सवार दो लोगों को रौंदते हुए निकल गई। गंभीर रूप से घायल हुए दोनों युवकों को इलाज के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी हां, आपको बताते चले कौसाम्बी थाना क्षेत्र के सोनबारा गाँव के रहने वाले सूरज पाल और राहुल किसी काम के लिए एक बाइक पर सवार होकर सराय अकील थाने के कनैली बाजार गए थे। वापस लौटते समय सामने से आ रही बालू लदी ओवरलोड तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। एक ही गांव के दो लोगों की सड़क हादसे में मौत होने से गांव में गम का माहौल है। हुआ कहां पे हुआ है? ये दोनों सूरज भान पाल राहुल टेलर दोनों मित्र हैं, आमने सामने घर है, ग्राम सोनवारा के रहने वाले हैं। ये लोग कनैली गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, पता नहीं कैसे गाड़ी इनकी लहरा गई और जाके डंपर में टकरा गई, वहीं पे इनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हम लोगों को फ़ोन गया, मौके में हम पहुँचे तो वहाँ से पुलिस वाले भिजवा दिए थे जिला अस्पताल। यहाँ आए तो यहाँ नहीं पहुँचे थे, लेट पहुँचे। जब हम यहाँ आए डॉक्टर साहब ने चेक किए तो दोनों एक्सपायर। अपना नाम बता दीजिए। मैं लव कुमार सेन, ग्राम सुनवारा।